दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खोया हुआ पैन कार्ड डाउनलोड कैसे किया जा सकता है, एक प्रोसेस वो बताने वाला हूँ। जो आपके पास पैन कार्ड नंबर है और आपका पैन कार्ड खो गया है तो वो कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, और दूसरा प्रोसेस वो बताने वाला हूँ जो आपके पास न तो पैन कार्ड नंबर है न ही किसी भी प्रकार की जानकारी है तो वो कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो 100% मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो गाइज, बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। यदि जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। अब आपका कीमती समय लिए मैं आपको खोया हुआ पैन कार्ड डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। तो गाइज, सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है, जैसा कि मैं इस वीडियो में किसी एक ब्राउजर गूगल को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, सर्च बार में टाइप करना होगा ई पेन डाउनलोड लिखना है, ठीक है। ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक एंटर पेज खुलकर ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, यदि आपने पैन कार्ड NSDL पोर्टल से बनाया था तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। यदि आपने पैन कार्ड UTI के पोर्टल से बनाया था तो आपको सेकंड वाली लिंक पर क्लिक कर लेना है। लेकिन मैं आपको, जैसे कि मान लो कि मैंने NSDL पोर्टल से पैन कार्ड बनाया था, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ तो आपके सामने गेट ई पैन कार्ड से संबंधित जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि आपने पैन कार्ड बनाया था और आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो आप फर्स्ट वाले एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना है, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का मंथ यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। जैसे राइट क्लिक कर लेंगे तो अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, और उस OTP को फिलअप करके आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रह गया आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर से। यदि आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं है और आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है फर्स्ट वाले बॉक्स में, उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप कर लेना है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ का मंथ और डेट ऑफ बर्थ की ईयर फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। जैसे राइट क्लिक कर लेंगे आपको ये डिटेल्स पूरी भरनी है, उसके बाद ही राइट होगा। उसके बाद में यहाँ पर राइट करके आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने 8 या 10 रुपये का जो पेमेंट मांगा जाएगा वो आपको पे करना होगा। जैसे आप पेमेंट पे कर लेंगे तो आपके जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त हो जाते हैं तो अब आपको वापस एक्नॉलेजमेंट नंबर पर आ करके आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल करके आपको वापस डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर डाल करके आपको राइट क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। और सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके OTP भेजा जाएगा, और उस OTP को फिलअप करके आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रह गया आपका पैन कार्ड नंबर है तो, ठीक है। अब मैं आपको पैन कार्ड नंबर, यदि आपके पास नहीं है, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो अक्सर कस्टमर क्या करते हैं, आजकल जो कस्टमर करते हैं वो डायरेक्टली ई फिलिंग आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। जैसे आप ई फिलिंग टाइप कर लेंगे तो अब आपको सबसे पहले फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि अधिकतर कस्टमर जो करते हैं वो फ्री में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे ही उनके पास पैन कार्ड नहीं आता है घर पर, तो वो जो पैन कार्ड सेंटर है वहाँ पर आ जाते हैं और पैन कार्ड वो बोलते हैं कि पैन कार्ड बनाना है, लेकिन वो बताते हैं कि मैंने पैन कार्ड किसी भी प्रकार से अप्लाई नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास ना तो पैन कार्ड नंबर की जानकारी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंसर्ट ई पैन, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इंसर्ट ई पैन, इस पर जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सर्वर इशू के कारण ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो आप गाइज 2 सेकंड का इंतज़ार कीजिए। तो आप देख सकते हैं गाइज, जैसे आप इंसर्ट ई पैन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने गेट ए न्यू ई पैन और चेक स्टेटस डाउनलोड पैन कार्ड। अब आपको सबसे पहले डाउनलोड पैन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपने आधार नंबर, यहाँ पर जिस कस्टमर का आपको पैन कार्ड निकालना है तो यहाँ पर अपने आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेना है और कंटिन्यूज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यूज पर क्लिक कर लेंगे तो आप
उनके जो आधार से नंबर से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लेना और पैन कार्ड नंबर जो ई पैन है वो डाउनलोड कर लेना है। यानी कि आपके पास आधार नंबर से आप ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अधिकतर कस्टमर जो फ्री में बनाने की कोशिश करते हैं और वो बाद में भूल जाते हैं कि पैन कार्ड नहीं बनाए, तो वो इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अब आपके पास ना तो पैन कार्ड नंबर है न ही यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले होम पेज पर आना है। जैसे ही होम पेज पर आ जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, हेल्प हेल्प पर क्लिक करके आपको आप ऊपर देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आपके टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क NSDL, ठीक है, यहाँ पर आपको क्यूरीज रिलेटेड टू पेन एंड टेन एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस अपडेट थॉट NSDL, यदि आपने NSDL से बनाया है तो इस नंबर पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप क्लिक करके अपने कस्टमर का जो बेसिक डिटेल्स है वो बता करके आप अपने पैन कार्ड नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, बाद में आप अपने ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो जानकारी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रही होगी और काफ़ी लाभदायक भी रही होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।